हाय गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी i20 N line के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता है कि मैंने ये कार अभी परचेस करी थी 2 महीने पहले और अभी मैंने 2 मंथ्स में इसको काफ़ी सारा चला लिया है। ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर मेरे पूरे हो गए हैं जिसमें मैंने इसको सिटी में चलाया है, हाईवे पर चलाया है और हर तरह के टेरेन पे चलाया है, हर तरीके से चलाया है। मतलब अच्छे से ड्राइव किया है, फास्ट भी ड्राइव किया है, स्लो भी ड्राइव किया है, सिटी में भी ड्राइव किया है। मेजॉरिटी मैंने सिटी में चलाया ऑब्वियसली, लेकिन हाईवे पर भी मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली चला लिया है क्योंकि 2 महीने में अगर आपकी गाड़ी 1700-1800 किलोमीटर चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही है मेरे हिसाब से। यस, तो अभी बात करना स्टार्ट करते हैं यार इस कार के बारे में। तो इसके अलावा आपको i20 N line के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी कोशिश यही रहने वाली है। तो सारी चीज़ों की बात हम करेंगे, कंफर्ट, लो एंड, मिड रेंज, टॉप एंड, सारी चीज़ों की बात करेंगे, स्पेशली ड्राइव रिव्यू की बात अच्छे से करेंगे हम। तो अभी एक छोटा सा वॉक अराउंड आपको दे देते हैं यहाँ पर। तो ये वाला जो वेरिएंट है ये N6 वेरिएंट है, यहाँ पर आपको हैलोजन लाइट्स वगैरह मिलती है, थोड़ी थोड़ी जगह पर कॉस्ट कटिंग हुंडई वालों की तरफ से आपको देखने के लिए मिल जाएगी क्योंकि ये N line का बेस वेरिएंट है। इसके ऊपर एक और वेरिएंट आता है N8 वाला जो N6, तो N line में केवल आपको 2 ही मॉडल मिलते हैं, एक N6 मिलता है और एक N8 मिलता है, तो 2 मॉडल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यस, तो अभी बात करना स्टार्ट करते हैं यार इस मॉडल की। तो यहाँ पर ये जो मॉडल है ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे को लगा था जब मैंने इसके मॉडल्स के बारे में रिसर्च करी थी, जब मैंने उधर से पता करा था शोरूम वगैरह से भी, तो तब मेरे को सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यही मॉडल लगा था। N8 तो मैंने देखा भी नहीं था क्योंकि उसमें जो कुछ एडिशनल फीचर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा लग्जरी वाले फीचर्स हैं जो कि इतने ज़्यादा नेसेसिटी वाली चीज़ें नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं, आगे आपको हैलोजन लाइटिंग का सेटअप मिल रहा है, फॉग लैंप्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, DRS यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। इंजन की बात करते हैं यार, तो यहाँ पर आपको 1 लीटर का टर्बो GDI इंजन मिल रहा है जो 120 BHP की पावर निकालता है, 173 Nm का टॉर्क भी निकाल देता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि थ्रू आउट द कार आपको रेड एक्सेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, यहाँ पर आगे वाले जो ब्रेक कैलिपर्स हैं इनको रेड कलर में फिनिश किया है, पीछे वाले नॉर्मल आपके स्टील कलर में ही आते हैं। ये जो व्हील यहाँ पर दिया गया है 16 इंच का व्हील है, 195 सेक्शन का टायर है, पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पर आपको मिरर्स मिल जाते हैं और ये जो इंडिकेटर्स हैं इसके मिरर्स में ही इंटीग्रेट किए गए हैं। यहाँ पर आपको एक बार स्पेस दिखा देते हैं पीछे चल के। तो एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ मैं हुंडई के बारे में यार, वो है इनकी प्लास्टिक क्वालिटी। अगर ये अंदर का जो इंटीरियर है उसको भी प्लास्टिक्स का बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक वाला बना रहे हैं, मतलब हार्ड प्लास्टिक वाला बना रहे हैं, तो भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें इसमें लगाते हैं और ऐसा नहीं लगता कि यार कहीं से भी कोई भी चीज़ चीप हो या ख़राब हो। एक जो प्रॉब्लम मेरे को लगती है इसके साथ वो ये है कि यहाँ पर आपको जो बटन्स दिए गए हैं इसमें केवल ये वाला जो ड्राइवर साइड विंडो का अप एंड डाउन स्विच है इसमें आपको लाइट मिलती है, रात को ऑपरेट करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आप बाकी कोई भी बटन यूज़ करना चाहते हो तो, क्योंकि आपके लिए केवल यही एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि बाकी सारे बटन फिर कहाँ हैं। तो अभी थोड़ा सा मसल मेरी बैठी नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि 2 महीने हुए इस कार को चलाते हुए, तो यस वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम लगी है मेरे को। बॉटल होल्डर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे साइज़ के यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, तो इसमें मैंने अच्छी खासी बड़ी बॉटल जो होती है ना इंसुलेशन वाली मिल्टन की, तो वो वाली भी बॉटल इसमें मैंने फ़िट करी है। 1.5 लीटर की होती है वो, 1.5 लीटर की आई थिंक, तो वाली भी इसमें ईजिली फिट हो जाती है, तो हल्का सा ही ऐसे स्ट्रेच होता है पर तो फिट हो जाती है, तो दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि रेड एक्सेंट्स आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं, तो इसको मैं अपनी राइडिंग पोजिशन ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा और फिर बात करते हैं पीछे चल के, स्पेस दिखाते हैं आपको। यस, तो पीछे का स्पेस आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे घुटनों के आगे एडिक्वेट स्पेस मेरे को मिल रहा है, यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा स्पेस है अभी और मैं एकदम खुल के बैठा हुआ हूँ देखो, और मेरी हाइट जो है 6 फीट है, फिर भी मेरा जो हेड रूम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। हेडरेस्ट की पोजीशन अच्छी है लेकिन आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। N8 वेरिएंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिल जाता है। लेदराइट अपहोल्स्ट्री आपको पूरी कार में मिल जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, और जो सीट की कुशनिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट साइड पर है। एक जो प्रॉब्लम मेरे को लगती है वो ये है कि यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट नहीं मिलता है, आर्मरेस्ट को यहाँ से हटा दिया गया है नए वाले वेरिएंट्स में, तो वो भी एक चीज़ है। 3-point seat belt आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए मिल जाती हैं यहाँ पर, यहाँ से आप इसको लगाकर इस वाली को भी 3-pointer बना सकते हो, सो दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पर आपको लैप बेल्ट नहीं दी गई है बीच में, तो दैट्स समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट। सनरूफ आपको यहाँ पर मिल रही है और जो डोम लाइटिंग है वो एक आपको यहाँ पर मिल रही है पीछे के लिए और आगे 2 आपको मिल रही हैं। पीछे का एक बार स्पेस दिखा देते हैं आपको डिक्की में और फिर कार के बारे में और कार को चलाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर डिक्की की स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बूट स्पेस मिल रहा है और टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा डीप भी है, और यहाँ पर आपको जो व्हील मिलता है पीछे वो स्टील व्हील मिलता है नॉर्मल वाला, अलॉय व्हील आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, तो वो एक कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ है। और कहाँ कहाँ कॉस्ट कटिंग करी है वो ये है कि N6 वेरिएंट में आपको यहाँ पर लाइट नहीं मिल रही है कहीं पर भी पूरे बूट में, और एक और चीज़ जो है N8 वेरिएंट में यहाँ पर आपको सबवूफर मिल जाता है, यहाँ पर आपको सबवूफर भी नहीं मिल रहा है। एक और जो कॉस्ट कटिंग की जगह है वो ये है कि यहाँ पर आपको वाइपर नहीं दिया गया है,
N8 में आपको वाइपर भी मिल जाता है, डिफॉगर दिया गया है यस, पर वाइपर नहीं दिया गया है। कार गंदी हो रही है उसको माइंड मत करना गाइस, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बारिश का सीज़न चल रहा है। अभी देखो फिर से बारिश स्टार्ट होने वाली है, धूप हो रही है फिर भी बारिश हो रही है, तो उसे माइंड मत करना गाइस। ओके, तो सीट को ज़रा पीछे करते हैं और फिर आपको आराम से बैठ के दिखाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग आते हैं यार जब आप यहाँ पर बैठते हो, एक बार आपको इसको जला के दिखाते हैं। चाबी निकाल लो मैं, वेट। ओके, तो ऐसा कुछ लुक आता है यार जब भी आप इसको ऑन करते हो, ऐसा कुछ स्वाइप अप डांस वाला थिंग ये करती है कार। यहाँ पर आपको MID दी गई है जिसमें आप सारे फंक्शंस अपने कंट्रोल करते हो। यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर दिया गया है, डिजिटल वाला यहाँ पर है, ऐसे मैंने BMW में पहले देखे हुए। तो यहाँ पर आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये 8.5 इंचेस की टच स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर साइड में बटन्स दिए गए हैं बहुत सारे इसको कंट्रोल करने के लिए। ये आपका ट्यूनिंग का बटन है जब आप रेडियो सुन रहे हो, ये आपका वॉल्यूम का कंट्रोल है, और इसी से आप इसको लॉन्ग प्रेस करके पावर ऑफ भी करते हो। इधर की बात करें तो यार अच्छा खासा साइज़ का ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है। अभी भी मैंने इसमें काफ़ी सारा सामान रख रखा है, कूल ग्लव बॉक्स ये है, तो दैट्स अ गुड थिंग। सीट में आपको सारी टाइप की एडजस्टमेंट मिल जाती हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे सारी टाइप से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। N8 में आपका ये जो मिरर है ये ऑटो डिमिंग आ जाता है, यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग मिरर नहीं मिल रहा है, सो दैट्स अ बिट ऑफ कॉस्ट कटिंग थिंग दैट दे हैव डन। ओके, प्लास्टिक की बात कर ली, सारी बातें मैंने ऑलमोस्ट कर ली हैं। रेड एक्सेंट्स मैंने आपको दिखा दिए। 3 मेटल के पेडल्स देख लो यार, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं मेरे को, टू बी ऑनेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और ये एक और मेजर रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये कार परचेज़ करी है। ये जो शिफ्ट नॉब है यहाँ पर जो दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मेरे को लगता है, और ये शॉर्ट थ्रोज़ हैं इसके, तो दैट्स अ गुड थिंग। शॉर्ट थ्रोज़ में आप जल्दी जल्दी शिफ्ट कर पाते हो। एक जो प्रॉब्लम मेरे को लगी है वो ये है कि जैसे मैंने अभी कप होल्डर में यहाँ पर एक बॉटल रख दी है, तो मैं इसको साथ में ऑपरेट नहीं कर सकता। तो अगर मेरा हाथ यहाँ पर रखा हुआ है तो मेरे को इसको ऑपरेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये वाली एक चीज़ लगी है मेरे को यार इसके साथ कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अर्गोनॉमिकली ये थोड़ा सा ख़राब डिज़ाइन है। यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर USB-A मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाता है। इसमें उंगली डाल के नहीं दिखाऊंगा मैं। और AC की जो फिनिशिंग है ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी है यार, ऑब्वियसली। अभी चलाना स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके बॉयज, तो चलाना स्टार्ट करते हैं यार अपनी i20 N-Line को, और बताते हैं आपको कैसा मेरा एक्सपीरियंस इस कार के साथ रहा है, और ये सारी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यार सबसे पहले आपको क्लच की ही बात बता देता हूँ। तो क्लच जो है इस कार में आपको थोड़ा सा एग्रेसिव मिल रहा है। अगर आपको एंथुजियास्टिकली ड्राइव करनी है कार तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसके क्लच में। लेकिन अगर आपको सिटी में थोड़ा ईजी क्लच चाहिए, अगर आपको इतना ज़्यादा एग्रेसिव एक्शन नहीं चाहिए, तो आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लग जाएगा क्लच। ओके, तो ये वाली एक चीज़ लगी है मेरे को इसके क्लच के साथ। बाकी मैनुअल ट्रांसमिशन इट इज़ एब्सोल्युटली सुप्रीम यार, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार मैनुअल ट्रांसमिशन ये है। इससे पहले मेरे पास होंडा सिटी थी, एंड स्टिल मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन है इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ओके, और ये जो कॉर्नरिंग देख रहे हो ना आप, ये मैं 120 की स्पीड पर कर रहा हूँ यार, तो 120 की स्पीड पर मैं एक हाथ से इसको कॉर्नर कर पा रहा हूँ, और इतना कॉन्फिडेंस आना बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है किसी भी कार में। और ये अभी गीली रोड है, सो जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये कार मेरे को दे रही है। तो ये सारी चीज़ें यार जो N-Line को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना देती हैं यार। ओके, इसमें आपको शॉर्ट शिफ्ट का गेयरबॉक्स मिलता है, शॉर्ट थ्रो वाला गेयरबॉक्स मिलता है, जिसकी वजह से जो थ्रोज हैं बहुत ज़्यादा क्विक हो जाते हैं। ये देखो अभी मैं 144-150 पर इजीली एक हाथ से इसको चला रहा हूँ। इसकी स्टेबिलिटी देखो यार, स्टेबिलिटी इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मैं 150 पे इसको स्टीयरिंग व्हील छोड़ के चला रहा हूँ, इट इज़ सो गुड। तो लोग कहते हैं ना भाई जर्मन की स्टेबिलिटी ये, जर्मन की स्टेबिलिटी वो, भाई N-Line चला के देखो एक बार, तुम्हारी ऐसी तेजी ना हो जाए तो ठीक है। तो यस, अब इंजन की बात करना स्टार्ट करते हैं यार स्पेसिफिकली। तो लो एंड जो है वहाँ पर इंजन थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, और 3-सिलेंडर इंजन है तो यार वाइब्रेट करेगा भी, हल्का सा वाइब्रेशन आपको इसमें फील होने वाली है, तो वो वाली एक चीज़ यहाँ पर रहेगी हमेशा हमेशा, क्योंकि ये एक 3-सिलेंडर इंजन है यार। 3-सिलेंडर इंजन से हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हल्का सा वो वाइब्रेट करेगा ही, हल्की सी जो वाइब्रेशन होती है उसमें वो बिल्ट इन रहती है, क्योंकि वो इम्बैलेंस इंजन होता है राइट। तो जिसको पता है इम्बैलेंस इंजन क्या होता है तो वो समझ जाएगा कि क्योंकि 4 होते हैं तो वो बैलेंस हो जाते हैं, 2-2 एक साथ चलते हैं, 3 में वो एक अलग चल रहा होता है और 2 एक साथ चल रहे होते हैं, तो वो वाली एक प्रॉब्लम रहती है 3-सिलेंडर इंजन के साथ, जिसकी वजह से थोड़ी सी वाइब्रेशन आ जाती है, और उसके लिए फिर इनको एक्स्ट्रा वेट्स लगाने पड़ते हैं। ओके, तो एक्स्ट्रा वेट्स की वजह से होता क्या है, जो इंजन का टॉप एंड होता है वो भी थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो टॉप एंड है इंजन का वो थोड़ा सा वीक है। 5,500 के RPM के बाद यहाँ पर आपको जो पावर मिल रही है वो बहुत ज़्यादा हल्की हल्की मिलती है, मतलब धीरे धीरे आती है। अभी देखो फिर से मैं 150 तक जा रहा हूँ और मैंने स्टेयरिंग छुआ नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा अमेजिंग है ना यार, जो मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी है इस कार के बारे में। ओके, और मैं सिक्स गियर में अब मैं आया हूँ। तो यार ये देखो क्या स्टेबिलिटी है भाई, मेरे को इतना सा दिक्कत नहीं लग रही इसके साथ। सस्पेंशन इसका हल्का सा स्टिफर साइड पर है यस, तो सस्पेंशन थोड़ी सी प्रॉब्लम करने वाला है अगर आप इसको चलाना चाहते हो वैसे करके, जैसे क्या होता है ना
अगर आप इसको सिटी में चलाते हो तो यस आपको लग सकता है कि सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो वाली चीज़ आपको लग सकती है जब आप इसको सिटी में चलाना स्टार्ट करोगे। तो यस दैट्स गोइंग टू बी एन इशू व्हेन यू ड्राइव इट इन द सिटी। तो ठीक है, कभी कभी होता है कि यार सिटी में चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग सकती है, स्पेशली आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि यार ये क्या कार ले ली है, लेकिन जब इसको चलाना स्टार्ट करोगे ऐसे एंथुजियास्टिकली आपको इतना मज़ा आने वाला है ना इसको चलाने में, इट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फिनोमिनल। माइलेज की बात कर लेते हैं यार, तो माइलेज जो है इस कार का वो थोड़ा सा कम है, माइलेज आपको यहाँ पर 9 से 12 ही मिलने वाला है अगर सिटी में चलाते हो तो। अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है तो दैट्स वेल एंड गुड, 13.5 से ऊपर आप वैसे भी नहीं जाने वाले। ये देखो 160 पे मैं कॉर्नर कर रहा हूँ भाई, क्या बात है यार, और मैं इसको पुश कर सकता हूँ और ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हैं यार जो एनलाइन में पॉसिबल है, और मेरा पूरा पैर जमा रखा है मैंने ऐसे नीचे, और 170 पर चल रहे हैं अभी, मेरे को इतनी सी टेंशन नहीं है क्योंकि ये कार इतनी ज़्यादा स्टेबल चल रही है। और मैं होंडा सिटी में होता था ना अपनी, तो मेरे को ऐसा डर लगता था भाई उस कार के साथ कि इतना ज़्यादा पावर से मैं इतनी ज़्यादा स्पीड पर मैं चल तो रहा हूँ लेकिन क्या होगा। ओके यस, तो यस ये देखो zigzag zoom, तो भाई बहुत ज़्यादा अमेजिंग है यार ये कार। अगर आपको इसकी डायनेमिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको ऐसी कार चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा सॉर्टेड डायनेमिक्स वाली हो, दिस इज़ द कार टू गेट। अगर आप ये कार लोगे यू वॉन्ट रिग्रेट दिस। ठीक है, सस्पेंशन की वजह से, स्टीयरिंग फीडबैक की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से दिस कार इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को लगती है वो ये है कि इसका जो टॉप एंड है वो वीक है यार, टॉप एंड शुड हैव बीन बेटर, टॉप एंड यहाँ पर बेटर दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपको जो टॉप एंड है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है यार इस कार के साथ कि आपको यहाँ पर टॉप एंड इतना अच्छा नहीं दिया गया है। क्लच थोड़ा सा एग्रेसिव है, येस क्लच थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है जब आप इसको ड्राइव करने वाले हो, अगर आप सिटी में ड्राइव करते हो या फिर कैसे भी, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करने में मेरे को भी टाइम लगा था और आपको भी लगने वाला है मे बी अगर आप किसी और कार से आ रहे हो, तो वो वाली एक चीज़ है यार इस कार के साथ। बाकी दिस कार इज़ एब्सोल्यूट ब्यूटी, मतलब यार आपको अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, डायनेमिक्स इतनी ज़्यादा सॉर्टेड मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको चला के दिखाया 150-170 ऐसे भाग रही थी कि पता ही नहीं चल रहा है। तो यार ये सारी चीज़ें हैं जो इस कार को बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना देती है मेरे हिसाब से। ओके, तो ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं यार एक बार। ब्रेकिंग जो है इस कार की वो थोड़ी सी स्केची किसी किसी को लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो पैडल मिल रहा है वो थोड़ा सा लंबा चला जाता है कभी कभी, मतलब उसका जो प्रेस है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम लग सकती है किसी किसी को जब वो चलाते हैं, क्योंकि आपको पैडल जो है वो हल्का सा ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है। बाकी एज सच कोई ब्रेकिंग की स्ट्रेंथ में दिक्कत नहीं है, ब्रेकिंग की स्ट्रेंथ इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। यार वही होता है ना कि इनिशियल में जब आपको बाइट नहीं आती ना, तो आपको एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि क्या हुआ, तो अभी तो मेरे को आदत हो गई है, लेकिन शुरू में मेरे को लग रहा था कि हाँ यार क्या हुआ ये ऐसे करके, तो वो वाली एक चीज़ लगी थी मेरे को इस कार के साथ। बाकी मेरे को एज सच कोई बड़ा इशू मेरे को लगा नहीं है। बाकी ड्राइविंग पोजिशन की अगर बात करूँ तो मैं यार ए पिलर जो है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, और इसमें यहाँ पर आपका ट्विटर भी लगा रखा है, तो जिसकी वजह से जो ब्लाइंड स्पॉट है इधर और इधर दोनों साइड में काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लाइंड स्पॉट आपको मिल जाता है, तो वो थोड़ा सा एक आपको देखना पड़ता है ऐसे आगे होके पीछे होके, तो वो वाली एक चीज़ है यार। अगर आप एक एसयूवी से आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको हुड नहीं दिखने वाला है, ऐसे करके हुड दिखेगा जैसे अभी मैं बैठा हूँ, एकदम अपना जो सिर है उसको ऊपर चिपका दिया मैंने, फिर मेरे को जाके हुड दिखेगा, ऐसे हुड नहीं दिखता है। तो वो वाली एक चीज़ है यार कि आपको थोड़ा सा पुरानी जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनको चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो एसयूवी वाले जो होते हैं उनको थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ भाई यार कहाँ बैठ गया मैं, और ये कार ऐसे क्यों भाग रही है, मतलब ऐसे क्यों नहीं दिख रहा, मेरे को पता क्यों नहीं चल रहा, तो वाली एक चीज़ आपको फील होने वाली है इसमें। तो यस, बताना मेरे को कैसा लगा है ये वीडियो, ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में, कुछ भी मेरे से रह गया हो या आपको कुछ भी जानना हो इस कार के बारे में तो डेफिनेटली आप मेरे को बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर, बाय बाय। या देखो ये सस्पेंशन बहुत बुरा है यार।